जय नर्मदे हर हर महादेव। अभी हम अपने तीसरे दर्शन स्थान पर आ गए हैं। ये विमलेश्वर महादेव का मंदिर है सामने, और इस संभवतः यह मंदिर स्ट्रक्चर देख करके लग रहा है कि अभी इसका पुनर्निर्माण हुआ है। विमलेश्वर महादेव यही है, विमलेश्वर महादेव। तो बहुत बार क्या होता है कि जब स्वयंभू शिवलिंग धरती से प्रकट होता है तो वह अपने स्थान से हिलता नहीं है, और कई बार घर बनाने के लिए जब नींव खोदी जाती है या फिर जब कुएं खोदे जाते हैं तब महादेव प्रकट होते हैं, और वो अक्सर ज़मीन के स्तर से नीचे ही रह जाते हैं। आसपास जब मंदिर बनाना पड़ता है तो बहुत ऊंचा करके बनाना पड़ता है, इतनी सीढ़ियाँ हैं तकरीबन लगभग 11 से 12 फीट। और ये गर्भगृह है मंदिर का, और महादेव चाहते हैं कि मैं बैठ जाऊँ इसलिए बैठ गया। ये भोलेनाथ है, बाहर मंदिर का मतलब बहुत खूबसूरत सा, बहुत सुंदर सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। संयोग देखिए कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में नर्मदा परिक्रमा पथ के तीसरे मंदिर पर है। संध्या का समय हो गया है, अब इसके बाद यात्री कहीं पैदल नहीं जा पाएंगे क्योंकि रात हो जाती है और ठंडा भी है, रात में ठंडी हवा चलती है, तो ज़्यादातर लोग यहीं पर विश्राम करेंगे। आसपास तंबू भी बनाए गए हैं, सामने जो टिन शेड है, और मंदिरों में भी शरण मिल जाती है, मंदिर के आसपास भी वहाँ पर भी कुछ जगह है, सामने भी शायद इनके लिए ही आश्रय बन रहा है। और ये विमलेश्वर महादेव जी का पुनरुद्धारित मंदिर है, अंदर में महादेव की मूर्ति थी जैसे आपने देखा, और बगल में ही श्री रत्नेश्वर महादेव और कमलनाथ महादेव। यहाँ पर भी एकदम वैसे ही जैसे बाकी जगह स्वयंभू ईश्वर महादेव जो प्रकट होते हैं तो उनकी मूर्तियाँ नीचे ही रह जाती हैं, वैसे ही इधर भी हैं। यहाँ पर भगवान की श्रृंगार मूर्ति लगी हुई है, उसको हम स्पर्श नहीं करेंगे, मंदिर की एक मर्यादा होती है, उसका कभी हरण नहीं करना चाहिए, उसका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और ये श्री वामलनाथ महादेव, यहाँ के शिवलिंग की एक खासियत है, आप देखोगे कि शिवलिंग इतना पुराना है कि जल गिरते गिरते जहाँ पर लगातार जल गिर रहा है वहाँ पर मूर्ति में छिद्र सा हो गया है। लेकिन कहते हैं ना कि शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता है, तो शिव जी का थोड़ा सा भी अंश रहे, स्थान भी बचा रहे, तब भी पूजा होती है। अगर कोई मंदिर है जहाँ पर भगवान स्वयं प्रकट हुए हों या फिर कभी उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई हो, मूर्ति का किसी कारणवश क्षरण हो जाने पर भी वहाँ पर उनका निवास रहता ही है और उनकी पूजा हो सकती है। हर हर महादेव। यहाँ माता जी बता रही हैं कि अंदर से जल आता है, नर्मदा माता यहाँ से आती हैं, यहाँ से प्रवाह होता है इनका, और ये अपने आप में अद्भुत है। एक ऐसा शिवलिंग जहाँ से स्वयं नर्मदा माता निकल करके उनका अभिषेक करती हैं। हर हर महादेव। साथ में जैसे महादेव के मंदिरों में गणपति जी की प्रतिष्ठा होती थी, गणपति जी भगवान कार्तिकेय और ये प्रभु राम लखन जानकी और हनुमान जी, और नर्मदा परिक्रमा पथ के हर मंदिर पर जैसे कि मैंने अभी तक देखा माता नर्मदा की मूर्ति होती है, ये माता नर्मदा, और साथ में द्वादश ज्योतिर्लिंगों को दर्शाने वाले भगवान की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, घुश्मेश्वर, केदारेश्वर, त्र्यंबकेश्वर,
पुनः माँ पार्वती, श्री काशी विश्वनाथ, श्री नागेश्वर, श्री रामेश्वर, भीमा शंकर के भीमेश्वर, वैद्यनाथ, ओमकारेश्वर, माँ पार्वती की एक और प्रतिमा महाकालेश्वर, मल्लिकार्जुन और सोमनाथ। वो अंदर रहेगी, सही कोई उठा ले जाएगा। यहाँ पर किसी यात्री की लाठी खो गई, एक बाबा जी लाठी यहाँ पर रखे दर्शन किए और बाहर बिना लाठी के चले गए, वो अपनी लाठी खोज रहे हैं। नर्मदा परिक्रमा में लाठी बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आदमी बहुत बार थक जाता है, उसका सहारा लेकर के चलता है, सामान को उससे सपोर्ट देता है, तो चलने की लाठी, बुढ़ापे की लाठी, अब जो भी समझ लो उसका महत्व, तो ये पथिक नर्मदा के यात्री ही बता सकते हैं। यहाँ से फिर हम बाहर निकलेंगे। ज़्यादातर यात्री यहाँ पर मध्य प्रदेश से आए हुए हैं, सब यहाँ पर रात्रि विश्राम करेंगे। इनका यही बिछौना है, प्लास्टिक बिछा लिया, पतली सी दरी बिछा ली और सो गए। धर्म का पथ इतना सरल नहीं होता। और बिना ईश्वरीय प्रेरणा के कोई कर भी नहीं सकता। और यहाँ पर नर्मदा माता का एक और मंदिर बनाया गया अलग से। और यहाँ पर भी, और यहीं पर जो अगर भोजन के लिए दान करना चाहते हैं, संभवतः यहीं पर रसीद करती होगी, क्योंकि बाहर ही बोर्ड लगा हुआ है, उसका मैं डिटेल देता हूँ। मान लो कोई अगर ऑनलाइन भी यहाँ के यात्रियों के लिए दान करना चाहे तो ये है, एक दिन का भोजन 1100, एक महीने का 3300, तीन महीने का 3700, 3 महीने का 99,000, वैसे 6 मास और 1 वर्ष का है। अकाउंट नंबर डिटेल ये सब। और जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो कम से कम एक दिन का भोजन का दान तो हमें भी करना ही चाहिए। और ये यात्रियों के रात्रिवास के लिए जगह बनाई गई, यहाँ पर बहुत यात्री हैं। सामान्यतः हम नर्मदा परिक्रमा पथ पर इतने यात्री या रामकुंड में देखते हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर रामकुंड से भी ज़्यादा लोग हैं, कम से कम 400 से 500 लोग होंगे। दान की और जानकारी के लिए यहाँ पर संपर्क हैं अलग अलग, और अकाउंट नंबर सेम वही है जो वहाँ पर है। और यहाँ पर जो आप डोनेट करते हैं वो जो सरकारी नियम है 80G, उसके तहत टैक्स का भी जो छूट मिलना होता है वो मिलता है। हम यहाँ पर अभी कुछ डोनेट करके आ गए, हमारे साथ जो आए हुए हैं विवेक कुमार, वो अपना डोनेशन का फॉर्म भर रहे हैं और वो डोनेट करके यहाँ से फिर निकलेंगे। बाकी माताएँ पूजा कर रही हैं यहाँ पर, और संध्या हो रही है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि एक जगह और दर्शन हो जाए, शायद जल ना चढ़ा पाए, लेकिन दर्शन ही बहुत पुण्यदायी है। और वैसे भी कहते हैं कि नर्मदा के दर्शन से ही मुक्ति मिल जाती है। स्कंद पुराण का एक कथन है एक जगह पर कि सरस्वती जी में 3 दिन स्नान करने से, यमुना में 7 दिन स्नान करने से, गंगा में स्नान करते समय ही और नर्मदा को देखते ही पाप मिट जाते हैं। देखो, तो हर हर नर्मदे।